नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन वेज जायका। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सैंडविच की एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। बहुत ही आसानी से बन जाएगी सैंडविच। हम कई तरीके के बनाते हैं, आलू के, वेजिटेबल के, क्रीम के साथ, मेयोनीज के साथ या फिर सैलेड के साथ। हर तरीके के सैंडविचेस बहुत अच्छी लगते हैं। एक तो जल्दी से बन जाते हैं, दूसरा हेल्दी ऑप्शन में भी होते हैं, क्योंकि अगर ये वेजिटेबल के साथ बनाए जा रहे हैं तो एक हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। साथ में हम इन्हें कैरी करके ले जा सकते हैं, एक हैंडी फूड की तरह होते हैं कि हम इन्हें चलते चलते या रास्ते में कहीं भी खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर एक ऐसे ही वेजिटेबल सैंडविच की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी बनी है। और आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी वेजिटेबल सैंडविच। तो यहाँ पर चीज़ी वेजिटेबल सैंडविच बनाने के लिए मैंने लिए है पत्ता गोभी, प्याज और टमाटर, जिसमें से पत्ता गोभी को मैंने थोड़ा सा बारीक चॉप किया था, लेकिन प्याज और टमाटर को मैंने रफली चॉप किया था ताकि जो उसका कलर है वो बहुत पॉपअप हो जाए। इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है काफ़ी सारा हरा धनिया। जो इसमें मेन फ्लेवर आने वाला है वो हरे धनिए का आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी हरे धनिए की। साथ में मैंने इसमें डाला है नमक और काली मिर्च। इसके अलावा मैंने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। लेकिन जब ये बनकर आएगा तो बहुत ही टेस्टी लगा था। ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि आपने इसमें कुछ बस बेसिक सा ही सामान डाला है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्राउन ब्रेड। मैंने ब्राउन ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं। आप चाहें तो यहाँ पे वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं। जो ब्रेड आपको पसंद है आप वो वाली ब्रेड यहाँ पे यूज कर लीजिए। मैंने इसके ऊपर लगाई है तंदूरी मेयोनीज। अगर आपके पास तंदूरी मेयोनीज नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल मेयोनीज में केचप मिला के भी लगा सकते हैं, या फिर जो आपको फ्लेवर पसंद है आप वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो मैंने यहाँ पे फिलिंग बनाई थी, जिसमें मैंने पत्ता गोभी, प्याज, टमाटर, नमक और काली मिर्च डाली थी, उसको मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में स्प्रेड कर दिया है। हमने वेजिटेबल काफ़ी सारी क्वांटिटी में ली थी, और इसमें आप देख रहे होंगे कि हरा धनिया कितना सारा है, कि हरे धनिया का कलर ना बिल्कुल अलग से ही पॉपअप हो रहा है। जब ये सैंडविच बनाया था ना, तो इसमें रेड कलर, ग्रीन कलर, वाइट कलर बहुत ही ज़्यादा पॉपअप हो रहा था, जिससे दिखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बना था। इसके साथ मैंने यहाँ पर डाल दी है चीज़। अगर आप चाहें तो चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, पर ये चीज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल लग रहा था। और साथ में जो बच्चे हैं उनको चीज़ बहुत पसंद होती है, किसी भी चीज़ में आप चीज़ डाल के दे दीजिए उनकी तो वो फेवरेट बन ही जाती है। इसके साथ मैंने ऊपर डाली थी थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग। आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने दूसरे स्लाइस के साथ इसको कवर कर दिया था, और यहाँ पे मैंने लिया है एक ग्रिलर का पैन, जिसको मैंने गार्लिक बटर के साथ अच्छे से ग्रीस किया है। आप चाहें तो नॉर्मल बटर भी ले सकते हैं, आप चाहें ऑयल ले सकते हैं, और आप चाहें तो देसी घी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे गार्लिक बटर लिया है, जिसने इसके फ्लेवर को बहुत ही ज़्यादा पॉपअप कर दिया था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हमने किसी कैफ़े में बैठकर एक बहुत ही अच्छा सा सैंडविच ऑर्डर किया हो। और मैंने इसको दोनों तरफ से बिल्कुल क्रिस्पी होने तक पका लिया था। इसका क्रंच बहुत अच्छा था, बहुत ही क्रिस्पी सा हमने इसको पका लिया था मंदी गैस पर, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो गया था। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सैंडविचेस बना लिए थे, और इसको मैंने सर्व किया था हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ, और खाने में बहुत सुपर डुपर डिलीशियस था। आपने देखा होगा इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, और जो भी आपके घर में वेजिटेबल है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पर पत्ता गोभी, प्याज और टमाटर का इसमें इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा था, और ये और आप इसे सेकें तो आप गार्लिक बटर के साथ ही सेकें, जो इसके फ्लेवर को बहुत ही ज़्यादा पॉपअप कर रहा था। मेरे कहने से एक बार इस सैंडविच को आप बना के ज़रूर देखिएगा अपने बच्चों के लिए। आपके बच्चे इतने खुश हो जाएंगे सैंडविच को खा के। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सारी वेजिटेबल्स डल रही हैं, हेल्दी ऑप्शन डल रहा है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा और खिलाइएगा, और साथ में अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और हमारे चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर करना हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। हमें प्यार देने के लिए, रोज़ हमें देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।